Hi guys, good morning and again welcome back to my channel Style Tips by Pooja. This is me, your Pooja, and welcome back to another exciting vlog, guys. So मैं मतलब बहुत सुबह से चाह रही थी इस ब्लॉग को स्टार्ट देने के, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी. सो आई थॉट पहले हम लोग हैवलॉक पहुँच जाए, उसके बाद शेयर करते हैं सुबह से लेके अब तक क्या क्या किया हम लोगों ने, सब कुछ एक बार बता देती हूँ. तो मॉर्निंग में उठते तकरीबन 5 बजे हम लोग वहाँ से निकले, फिर वहाँ से आए हम लोग हाडो नाम का एक जेटी था वहाँ पे. इन ओशन में बैठ के हम लोग आए हैवलॉक में. अभी हम जहाँ पे यू नो ठहरे हैं उस जगह का नाम है हैवलॉक एग्जॉटिक बीच रिसोर्ट, जो कि बहुत प्रिटी है. एक बार मैं आप लोगों को रूम टूर दे देती हूँ, सबसे पहले वो देख लो. साइड में है टीवी का डेस्क, यहाँ पे है हमारा बेड, इस साइड पे 2 चेयर, उसके साथ एक टी टेबल है, उस साइड पे एक स्टडी डेस्क है, आप कोई भी मतलब वर्क डेस्क. यहाँ पे कुछ टॉवल दिया गया है एंड यहाँ पे है एक मिरर जो कि मैं फिलहाल नहीं दिखाऊंगी. एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज वी हैव अ पर्सनलाइज्ड स्विमिंग पूल, तो मैं आप लोगों को वो भी एक बार दिखाती हूँ. एक्चुअली मैं उसके लिए आप लोगों को अंदर से जाना होगा. एंड हियर वी गो, तो हम लोग पूल में भी उतरेंगे बहुत जल्द. तो रूम आप लोगों ने देखा बहुत अच्छा था एंड अभी हम लोग आए हैं यहाँ के एकदम बगल में, तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को पर्सनल बीच है. वहाँ पे हम लोग आए के बाद में कुछ बच्चों से मिली. गाइस, आप लोगों को तो पता ही है कि सन की जो UVA एंड UVB रेज है उससे हमारी स्किन कितनी ज्यादा डैमेज, डल एंड डिहाइड्रेट होती है. बहुत बार आप लोगों ने मुझसे रिकमेंडेशन मांगा और मैंने दिया भी, लेकिन आज मैं प्रॉपर बात करूंगी कुछ ऐसी सनस्क्रीन की जो सन से आपकी स्किन को तो प्रोटेक्ट करेगा ही, ऊपर से आपकी स्किन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा. सो हेयर आई एम प्रेजेंटिंग माई मोस्ट फेवरेट डॉक्टर शेड सनस्क्रीन रेंज, 4 ऐसे सनस्क्रीन जो आपकी अलग अलग स्किन कंसर्न के लिए बनाया गया है. फर्स्टली डॉक्टर शेड हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन, जिसमें आपको मिलता है 1% हाइलुरोनिक एसिड एंड 1% टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, जहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है, टर्मरिक वहाँ पे आपकी स्किन को ब्राइट भी करता है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस इज सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. देन वी हैव डॉक्टर शेड सेंटेला एंड नियासिनामाइड सनस्क्रीन, जिसमें आपको मिलता है सेंटेला एसियाटिका एक्सट्रैक्ट एंड 1% नियासिनामाइड. इट गिव्स यू अ नॉन ऑयली नॉन ग्रीसी मैट फिनिश इवन आवर्स आफ्टर एप्लीकेशन, मेकिंग इट परफेक्ट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. इट रेगुलेट सीबम प्रोडक्शन विद नियासिनामाइड एंड दिस इज सुइटेबल फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन. देन वी हैव डॉक्टर शेड सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन. दिस इज नॉट जस्ट अ सनस्क्रीन बट अ वन स्टेप स्किन केयर रूटीन. इट डीपली मॉइस्चराइजेस योर स्किन. इट हैज अ नॉन ग्रीसी फॉर्मूला विच क्विकली अब्सॉर्ब्स इनटू योर स्किन. इट हैज 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स एंड 2% विटामिन सी कॉम्प्लेक्स, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटर करने में भी हेल्प करता है. तो अगर आप एक ऐसा सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो जो आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करे, तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है. बाय द वे, दिस इज सुइटेबल फॉर कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी हैव डॉक्टर शेड मिनरल सनस्क्रीन विच पावरफुली शील्ड योर स्किन अगेंस्ट द सन विदाउट लीविंग एनी व्हाइट कास्ट. दिस इज सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली सेंसिटिव स्किन. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस इज प्रेगनेंसी सेफ. सभी सनस्क्रीन में आपको मिलता है SPF 50 एंड PA++ विथ 0 व्हाइट कास्ट. तो सभी सनस्क्रीन के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, आप अभी अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से चुन सकते हो. मैं सभी प्रोडक्ट्स को टैग कर दूंगी एंड अगर आप यूज करते हो मेरी कोड विच इज पूजा20, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ डॉक्टर शेड की वेबसाइट में. व्हाट डू यू वांट फॉर ब्रेकफास्ट? व्हाट इज द मेन्यू, कैन यू प्लीज टेल मी? यस, ग्रीन सलाद, अनियन. इट्स सैलड्स. ओके, अनियन और क्यूकंबर. इट्स अनियन एंड क्यूकंबर सलाद. 3 डेज लेटर. इट्स रायता.
শালা ব্রেকফাস্টে কে মিক্সড রায়তা খাবে কোথা দেখি ওটা স্যালাডের মধ্যে রয়েছে রে Not interested. Onion paratha. It's onion. Onion paratha. Plain paratha. Toast, butter and jam. Bread omelette. Plain omelette. Cheese omelette. Masala omelette. Upma, idli, dosa. I don't want anything from this from this menu. You have to. Why should I? मैं तो कॉस्टो करे पोल्ला मैं। ओ तू कॉस्टो करे पोल्ली वाला होगा कौन खेता होगा? ना भाई। तू कॉस्टो करे पैसा टाव दिए दे। दिए तो जो ऑर्डर करे ना। तो बहुत सारे बच्चों से बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग थोड़ी सी पानी में आए थे एंड आप यकीन नहीं करोगे इतना सारा पत्थर है कि हम दोनों को बस वहां से यहाँ तक आने में 5-7 मिनट लग गया 30 सेकंड से 40 सेकंड रुके और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं बैठने के लिए क्योंकि और अच्छा नहीं लग रहा उनको मैंने कहा कि हम लोग ये सब कुछ देख पाएंगे कल नहीं परसों नील आइलैंड में जब हम लोग ये करेंगे क्या कहते हैं उसको सुबह करेंगे तो मैंने कहा कि अब फिलहाल चल ओके मैं फिलहाल ठीक तरीके से पहुँचती हूँ फिर आपको उससे बात करती हूँ जिससे আমি যেখানটা দিয়ে আসছি প্লিজ ওখানটা দিয়ে আয় আর পাপা ওখান পে বিচ মে সবই লোক কে সাথ মজাক কর রে জিসকি শোর শরাবা ইহা তক আচ্ছি বাত হ্যায় বাট টু বি ভেরি অনেস্ট পাপা বহুত এনজয় কর রে হ্যায় ইহি মুঝে আচ্ছা লাগা আচ্ছা গাইস মে আপ লোগ কো এক চিজ দিখাতি হু বহুত সারে বচ্চো সে তো হম লোগ মিলে লেকিন পার্টিকুলার এক বাচ্চা হ্যায় জো তকরিবন 2-3 বার মেরি গোদি মে আয়া থা এন্ড দেয়ার শি অর হি ইজ মেনে আব তক নেই দেখা আই থিঙ্ক হি ইজ मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखाती हूँ कि किस तरीके से वो करता है गोदी में आने के लिए ठीक रे One hour later. So hi guys, again welcome back. हम लोग वापस आ गए बीच से और अभी हम लोग जाने वाले हैं राधानगर बीच फोटोशूट के लिए प्लस हम लोग वहाँ पे खाना भी खाएंगे मजे भी करेंगे तो मैंने इस टू पीस को पहना है जो कि मतलब टू पीस इन द सेंस नॉट बिकिनी कोर्ट सेट है जो कि बहुत प्रिटी है मैंने लिया है मैंगो का वो ड्रेस जो कि मैं श्रीलंका में भी लास्ट दिन जाफना में पहनने वाली थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ एंड मेरी बालों की हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना तो मैंने ऐसे ही सिंपली बांध लिया है क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि फ़ोटोज़ गंदे आए और मेकअप वगैरह कुछ करनी नहीं थोड़ा सा टिंट मैंने यूज़ किया है थोड़ी सी अभी आई लाइनर डालूंगी एंड हो जाऊँगी रेडी तो हम लोग फाइनली रेडी होकर निकल गए और मैंने पहना है ये इसने भी कोऑर्डिनेट करके ही पहना है गाड़ी हमारा आ चुका है तो चलो निकलते हैं हम लोग आ गए हैं पहले खाने के लिए जैसा मैंने कहा था तो पहले ऐसा कुछ प्लान था कि हम सभी लोग फिश थाली लेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ अंकल फिश नहीं खाते हैं मतलब दोनों के पापा तो उनके लिए वेज थाली था लेकिन आने के बाद पता चला कि यहाँ पे सिल्वर कप नाम का एक फ़िश वो लोग दे रहे हैं मतलब हमारे वहाँ पे सिल्वर कप है यहाँ पे सिल्वर जैकेट तो सभी लोगों ने फिर चेंज करके पापा ने लिया है रोटी की थाली जिसमें 4 रोटी और सब्जी वगैरह ये सब आएगा हम लोग खा के यहाँ से निकलेंगे फोटोशूट के लिए अभी अभी मैंने इस शॉप से मतलब जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था उसके एकदम ही बगल में एंड इसको नोटिस किया था ब्लू ने तो मैंने 2 ड्रेस ली है एक है ये काफ्ता पहला वाला जो ड्रेस था उसके लिया है मैंने बहुत सचिन में फिर अच्छा वो काला था वाला अच्छा फर्स्ट ड्रेस है ये दूसरी वाली ऑलरेडी पैक हो चुका है लेकिन उसका एक डेमो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दूसरी वाली जो मैंने ली है वो काइंड ऑफ ये है लेकिन इससे क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है
सो यहाँ पे हो रही है हम लोगों की फोटो शूट और दादा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रही है और आप इन लोगों को देखो मम्मी पापा का ऑलरेडी हो गया लेकिन तभी कैप्चर नहीं कर पाई बट जस्ट लुक एट देम दे लुक ब्यूटीफुल चाहिए अभी हो रही है दूसरी जस्ट लुक एट काकी बस माँ क्या लग रहा है माँ तो अभी ये दे रहे हैं इनको इंस्ट्रक्शन तब कैमोन हो तो चलो माँ बादी के चूल्टा ठीक करो अरे तू एक दिन घोरो एक दिन का पोशन ने वो एक दिन घोरो एक दिन ऐसी गामा थी गामा थी गामा थी बस ओके आशो वन टू थ्री देखो एक दिन कितने कितने बाबा माँ एक दिन का ताको पता बोलो बैस करे तू बाबा आरक बार बोलो 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 आई लव यू आई लव यू अरे माँ क्या बोल लो आम के क्या आई लव यू कुछ तो आम तो हो गया यार काके काकू काके माँ के ये बाबा ये सब की देखती ठाकुर रोक के करो रघुवीर हमारा फर्स्ट शूट डन है अभी हम लोग जा रहे हैं ड्रेस चेंज करने सेकेंड शूट के लिए और फाइनली मैंने मेरी ये वाली ड्रेस ली है इसने भी एक ब्लू कलर का ही लिया है सब लोग जा रहे हैं उस साइड पर ड्रेस चेंज के लिए लेकिन साइड पर ताकि हम लोगों को और दूर जाना ना पड़े एंड आराम से काम भी हो जाए हम लोगों का ड्रेस चेंज हो गया मैं आ गई हूँ मेरी ड्रेस में और ये आ गया है इसकी ड्रेस में एंड आराम से हो गया मम्मी लोग क्यों उधर गए क्या मतलब वो अभी काफ़ी बुजुर्ग है हम तो इस साइड में गए मैंने बुनू से कहा कि तू टावल ऐसे बस पकड़ के रखना आराम से हो जाएगा लिटरली आराम से ही हो गया तो राधानगर बीच में काफी टाइम तक नहाने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं रूम में अभी बजाए तकरीबन 6:30 मोस्ट प्रोबेबली और अभी हम लोग जाने वाले हैं पूल के अंदर मुझे कुछ वीडियोस वगैरह निकालनी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम गोइंग विथ इसका रिएक्शन देखो ओके सो मैं जा रही हूँ बिकिनी में शायद इसका फोटो वीडियोस मुझे नहीं पता मैं दे भी पाऊंगी या तो फिर नहीं क्योंकि यू नो सच बंगाली थिंग्स तो चलो फिलहाल जाते हैं मजे करते हैं फिर वापस आके मैं बात करती हूँ लोगों का रूम नंबर है 301 लेकिन हम लोग आए हैं रूम नंबर 302 में क्योंकि हमारी पूल में कुछ केमिकल दिया गया था पूल को वॉश करने के लिए तो वो अभी क्लियर नहीं हुआ है तो अभी भरने में काफ़ी 2.5 घंटा लगेगा तो भैया ने कहा कि यू कैन शिफ्ट दिस रूम एंड आई वॉज लाइक सुबह से एक बार ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी हूँ अभी फिर से इस रूम में शिफ्ट करना है तो आप लोग कितने सारे रूम को क्लियर करोगे क्लीन करोगे हमारे लिए तो हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ नहाने के लिए इस रूम में आए एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पानी भर रहा है और हम लोग जाने वाले हैं 2 hours later पूल में काफी टाइम तक हम लोग रहे और
पर इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, फिलहाल जाऊँगी, ड्रेस चेंज करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ शेयर करती हूँ। हाय गाइस, सो अगेन वेलकम बैक। बीच में मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग बस सो रहे थे। सुबह के 3:30-4 बजे हम लोग निकले, अभी आए कायाकिंग के लिए और पापा भी आए थे बट उनको थोड़ा सा डर लग रहा है तो वो बैठे ही है। यहाँ पे बुनू है, ए हाय बोले दे, वहाँ पे अंकल है, वहाँ पे माँ है, हाय बोल, बोलो बोले तो हाय हाय। बस आंटी नहीं आए, हम लोग आए हैं, अभी थोड़ा सा डर लग रहा है तो मुझे कुछ अभी शेयर नहीं करनी है। अभी चलो हम लोग जाते हैं आराम से घूमते फिरते, फिर क्या होता है क्या नहीं होता है आई विल टेल यू लेटर। भाई सभी हम लोग समुंदर के एकदम बीचों बीच नहीं कहूँगी लेकिन पार से हम लोग काफ़ी दूर है और पैडल करते करते इतना हाथों में दर्द हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। बट सूरज अभी इस साइड से उगेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मेरी हाथ शिवर कर रहे हैं एंड फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा भारी सा लग रहा है। लेकिन यार सच में इतना मज़ा मैंने पहले किया है, लाइक दिस इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छे अच्छे यहाँ पूरे क्या कहूँ, आप पीछे वो एक देख पा रहे हो तीन बोट एक साइड पे, तो वो है हमारी टीम जो कि पीछे छूट गए, हम और बुनू आगे चले आए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली माँ और अंकल आगे निकल गए, पापा नहीं आए क्योंकि उनको डर लग रहा था। सो वी जस्ट वॉन्टेड टू सी देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब से हम लोग पैडलिंग कर रहे हैं कि पापा और मम्मी, हाँ वो मतलब उसके पापा और मेरी मम्मी कहाँ पे कहाँ पे। तो चलो फिलहाल बाकी के करते हैं, मैनग्रोव के अंदर भी जाना है, फिर मज़े लेते हैं और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। बिना बात के ये लड़की इसके अंदर जा रही थी, इतना क्यों दुख है भाई, शादी नहीं हो रही है इसीलिए, मोटा बॉडी ना तोल भाई, पूरा जॉल चुप चुपे है। बादिक 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 अभी मैं सिर्फ बैठी, बादिक 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 अरे गुलो अरे गुलो अरे गुलो। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ी सी रेस्ट ले रही हूँ डांडी के 3 बार और इसको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। एंड दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, मतलब वो ना एक अगर कहीं से एक रॉयल बंगाल टाइगर निकल जाए, यहाँ पे है नहीं बट फिर भी। एंड सामने हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अभी पैडलिंग कर रहे हैं। बाबा बादिक है, बादिक मारो, बादिक मारो 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 मारो, बस छेड़ दो छेड़ दो। वो हमारा आज का कयाकिंग हो गया, अभी हम लोग जाएंगे होटल में रेस्ट लेंगे और इन लोगों को जाना है एलिफेंट बीच। नाउ आई लिटरली डोंट नो मैं जाऊंगी कि नहीं। 3 hours later हाय गाइस अगेन वेलकम बैक। मैं ब्लॉगिंग करना ही भूल गई थी, खाते वक्त मुझे याद है बस एक निवाला मैंने दिया। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि मैं एलिफेंट बीच में जाऊंगी या तो फिर नहीं मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं गई क्योंकि सुबह तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कल पूल में थी तो उसके बाद से इतना ज़्यादा ठंड लग गया ना, ऐसे ऐसा नहीं है कि एसी वगैरह चल रही है बट फिर भी रात को बुखार आया। एंड कल दोपहर को मैंने लास्ट खाना खाई थी जो कि था थोड़ा सा दाल राइस एंड थोड़ा सा वो आलू का एक कुछ था फ्राई जैसा, हम बंगाली में आलू भाजा कहते हैं। तो उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं रात को भी खाने के लिए नहीं गई, सुबह से तो आप छोड़ ही दो। तो पैरास्टामॉल लेने के बाद अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, तो मैं बस वीडियो का काम कुछ कर रही थी। सभी लोग गए हैं अभी घूमने और मैंने यहाँ पे बस अभी अभी खाना ऑर्डर किया है, ये थोड़ा सा फ्राइड राइस है और वहाँ पे चिली चिकन है, तो इसको खाऊंगी फिर से सो जाऊंगी क्योंकि सच मुझे में तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो शाम में जब सब लोग आएंगे मैं आप लोगों से तब मिलूंगी एंड उन लोगों की एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी। और हम लोगों की कल चेकआउट है तो इस ब्लॉग को मतलब हैव ब्लॉग ब्लॉग को हम फिर एंड करेंगे। गुड इवनिंग, सो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये लोग जब वापस आ जाएंगे मैं इनके मुंह से शेयर करूंगी इन लोगों की एक्सपीरियंस, ऑल द मेरे सिवा किसी को भी मज़ा नहीं आया उतना, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि इसका मुंह देख के ही पता चल गया था, मतलब रूम में आते ही इसने बैग ऐसे फेंका, मोबाइल ऐसे फेंका है दूर, ऐसा एक रिएक्शन था। पापा ने भी मज़ा नहीं किया मेरे अलावा,
मम्मी लोग ने किया, उन लोगों का मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा मजे किए. नाउ मम्मी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी गुड, वेरी गुड. तेरा ভালো? হ্যাঁ ভালো, চলে যাবে আর কি. আমাকে ছাড়া তেরে নাও তো কাকিমা, তো মা খুব ভালো, খুব ভালো কাকিমা, পুরো সাকসেস. আমি পুরো ভেতরে না গিয়ে বড় বড় মাছ দেখেছি. খুব ভালো কাজ করেছো. এই মা দেখো ডোবা ম্যান একটা, ये देखो यहाँ पे एक दोस्त मिल गया सबको. खोला ना? खोला. क्यावड़ा फल दिख गया. कुत्ता. अच्छा अभी मम्मी हम लोगों को दिखाने वाली है कुछ क्यावड़ा फल नाम का है कुछ. सत्य क्यावड़ा जो देखे होलू तो ये है वो क्यावड़ा फ्रूट. এইটা পুরোটা ये হয়ে যাবে আর এটাকে এখন খাওয়া যাবে না? না এটা পুরো পেকে গিয়ে কাঁঠালের মতো এটা এই এইগুলো কোয়া কোয়া না তো বেরিয়ে আসে পাকা. পরেরটা বেশি ভালো. वो देखो वहाँ पे भी एक है मुझे बहुत सारे बहुत सारे. मुझे नहीं पता था, मैं कुछ और ही सोच रही थी इन लोगों को, मतलब एकदम ना पाइन एपल जैसे दिखते हैं. वट एवर, ये यहाँ पे ये बच्चा पोटी करने के लिए आया है और ये सभी लोग इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं. अभी हम लोग होटल से निकल के जा रहे हैं, पास में ही एक मार्केट है ना, पास इन द सेंस तकरीबन 1 किलोमीटर. तो सिर्फ और सिर्फ पैन था मेरी और पापा का, फिर उसके बाद दोनों ज्वाइन किया, फिर उसके बाद सब लोग ज्वाइन हुए. तो बस कुछ ही मीटर चलने के बाद पापा ने उन लोगों को बताया कि अभी तकरीबन मतलब काफ़ी दूर है. तो वो लोग कह रहे हैं कि अभी सुबह से इतना काम किया, थक गए ये वो. तो पापा ने सभी को भगा दिया है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम तीन हैं. पापा जा रहे हैं आगे स्टोरी सुनाते सुनाते और हम लोग पीछे. एक्चुअली मैं मार्केट में जा रहे कुछ ज़रूरत की सामान लाने के लिए, एंड साथ ही साथ मुझे जाना है एक मेडिकल हॉल में ताकि मैं एक इनहेलर ले पाऊँ, क्योंकि परसों कल या परसों हमारी स्कूबा है, कल ही है परसों है स्कूबा. तो मैं नहीं चाहती कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए. एज़ यूजुअल मैंने आज का दिन पूरा दे दिया ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए. तो और भी अगर मतलब नाक वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, थोड़ा सा बेटर फील करूँ, इसीलिए सब सामान लेके हम लोग घर वापस मतलब रूम में वापस आ जाएंगे. और आज का दिन मतलब ऐसे ही गया, काफ़ी अच्छा भी लगा बुरा भी लगा. तो चलो फिलहाल जाते हैं होटल में. पहुँचने के बाद अभी बज रहा है तकरीबन शाम के 7:30 और ये जो बीच है ये कुछ इस तरीके का लगता है दिखने में. एंड वहाँ पे जो आप देख सकते हो घर जैसा एक कुछ बना हुआ है, उसमें आप अगर हनीमून में आ रहे हो तो आपकी लव्ड वंस के साथ यू नो डिनर भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी बैठ सकते हो. एंड दिस इज़ द प्लेस लुक्स लाइक, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है. एंड यहाँ पर है बीच. और अभी मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाती हूँ. अभी ए, भाटा के इंग्रजी की बोले रे है ठीक है. अच्छा भाटा के इंग्रजी थे की मतलब भाटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मैं बाद में बता दूंगी, इस टाइम पे सच्चे मुच्चे में याद नहीं आ रहा. और यहाँ पे आप देखो पानी कितना दूर चला गया है, ऊपर से ये आसमान आप कितना कैप्चर मतलब मैं कितनी कैप्चर कर पा रही हूँ आई लिटरली डोंट नो, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल. एंड यहाँ पे जो भी कोरल्स वगैरह है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है दूर दूर तक. एक सेकंड मैं बस आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो समुद्र के पानी यू नो वहाँ तक जाती है, मतलब एकदम बीच तक एक लाइन भी है जहाँ तक पानी है. वो देखो दूर में दो लाइन. एंड अभी पूरी की पूरी सिनेरियो ही चेंज हो चुका है. अगर सच्चे मुच्चे में ये मॉर्निंग के टाइम पे मैं आप लोगों को दिखा पाती ना कि कितना पत्थर है. और सुबह भी नहीं कुछ देर पहले ही दो लड़के इतनी दौड़ दौड़ के नहा रहे थे उस साइड पे, अभी समझ में आ रहा है कि उनको मतलब चोट नहीं लगा, यही काफ़ी है. गाइज अगेन वेलकम बैक, एंड दिस विल बी द लास्ट वेलकम बैक फॉर टूडेज ब्लॉग. सो अभी रात के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं और हम लोग आए हैं बीच में थोड़ी सी टाइम स्पेंड करने, मैं और बोलूँ और कोई नहीं है. और इस ब्लॉग में शेयर करने लायक भी कुछ है नहीं क्योंकि हम लोगों का डिनर वगैरह सब कुछ हो गया, कहीं पे भी हम लोग और नहीं निकले. जाना तो था, प्लान तो थी, बट हो नहीं पाया. सो आज की जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे ही एंड कर रही हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप. मैं आप लोगों से मिलती हूँ नील आइलैंड की ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड.